तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली आज जो जबरदस्त डिस्कशन है वो एनडीए को लेकर के है। और ऑब्वियसली ये डिस्कशन बहुत खास इसलिए होने वाला है क्योंकि देश के लाखों एस्पिरेंट एनडीए का एग्जाम दे चुके हैं और ऑब्वियसली कट ऑफ देखने के बाद कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट भी हैं कि जल्दी आपकी एसएसबी डेट्स आपको मिलेंगे। दैट मीन रिटर्न में आप श्योर शॉट अपनी सफलता को सुनिश्चित कर रहे हैं। बट बहुत जरूरी है कि अगर हम रिटर्न में अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर रहे हैं तो उतना ही परफेक्शन, उतना ही डेडिकेशन और उतनी ही मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन आपसे एसएसबी के दौरान भी होगी। तो ऑब्वियसली ये सेशन बहुत खास होने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ हैं फिर से एक्स वाइस प्रेसिडेंट बनारस बोर्ड ग्रुप कैप्टन पांडे सर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और कुछ स्टार्टिंग लाइन सर बच्चों के लिए सबसे पहले सबसे शुरुआत में जिन जिन बच्चों ने अपना कट ऑफ देख लिया है और एनडीए जाने की इच्छा रखते हैं, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज एनडीए इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड और ये आपने चूज किया है, वेल इट्स द अल्टीमेट। दैट्स वेरी नाइस सर। और ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी की लहर सर इसलिए भी हाई है कि अभी दो दिन पहले ही मैंने इंटरव्यू डन किया सर आदित्य किशोर का, जो कि इलाहाबाद बोर्ड से 19 एसएसबी से सर रेकमेंड हुआ बच्चा। और पहले ही मैंने इंटरव्यू लिया सर हर्ष जो है पांडे बच्चे का, जो कि 19 एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड से ही सर वो भी रेकमेंड हुआ। तो अभी सर उन्होंने हमें स्क्रीनिंग का ग्राफ दिया उठा करके कि सर 69 रिपोर्टिंग थी एंड 38 कैंडिडेट गॉट सर स्क्रीनिंग, जो कि हर्ष पांडे ने मेरे को बताया। इन द सेम वे सेकंड जो आदित्य था उसके भी बैच में सर अराउंड 50 की रिपोर्टिंग थी और 30 के आसपास जो है स्क्रीनिंग हुए सर। हर्ष के बैच में सर 38 में 14 जो है रिकमेंडेशन हुए सर, और जो है आदित्य के सर 30 में से जो है अराउंड 8-10 कैंडिडेट्स रेकमेंड हुए सर। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट ग्राफ सर, अगर ये सिलेक्शन का पैरामीटर हम देखें तो मुझे लगता है एनडीए एंट्री अल्टीमेट है सर। अबव 50% सर स्क्रीनिंग एंड ऑलमोस्ट 50% के आसपास फाइनल रिकमेंडेशन, और ये एसएसबी और वो भी इलाहाबाद बोर्ड से सर, ये अपने आप में बड़ी चीज़ थी सर। तो सबसे पहला प्रश्न सर जो बनता है कि लाइक लॉट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम ओवर ऑल इंडिया, पूरे भारत से, मैं तो कहूँगा सर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक अलग तरह का पैशन है सर नेशनल डिफेंस एकेडमी को लेकर के। एंड आई नो सर लॉट ऑफ डिलिजेंट कैंडिडेट, मतलब कमाल के बच्चे सर, कमाल का जोश, कमाल का परफॉर्मेंस रिटर्न में दिखाई देता है सर। बट फाइनली जब हम एसएसबी की ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो बच्चों में एक बड़ा सा डर एंड फोबिया रहता है। उन्हें ये लगता है कि बींग एनडीए एस्पिरेंट मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मैं फ्रेशर हूँ, मेरे अंदर अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद वो मैच्योरिटी नहीं है, तो वो एक दो बार रिस्क की तरह देखते हैं कि शायद मे बी मैं स्क्रीन आउट हो जाऊं या मे बी मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो जाऊं सर। तो सबसे पहले इस माइंडसेट को सर मैं समझना चाहूंगा कि आखिर बोर्ड इन कैंडिडेट को जब फर्स्ट टाइम रिटर्न के बाद रिपोर्ट कर रहे हैं एसएसबी के अंदर तो किस तरह से देखता है और सर चांसेस कितने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता के सर एनडीए के दौरान। देखिए सौरभ सर, पहली बात तो ये है कि एनडीए की जो कैंडिडेट होता है एनडीए का वो इज वेरी यंग, एडोलेसेंस एज से पार हुआ है वो, एंड ही इज लाइक ए स्मॉल सैपलिंग जो सीडीएस में जाता है या उसके बाद आगे पीजी एंट्री के लिए जाता है, ही इज लाइक ए ट्री विच वी कांट मोल्ड हिम, वेर इज एनडीए बॉय ही इज लाइक ए सैपलिंग। और हम लोग क्या करते हैं एसएसबी में, वी ग्रांट दैट यू नो दैट मच ड्यू टू दैट कैंडिडेट बिकॉज उसके अंदर अभी उसको एक्सपोजर नहीं मिला है, वो लड़का अभी निक्कर से पैंट में आया ही है, ही स्टिल इज इन एडोलेसेंस एज, तो हम उसको ग्रांट करते हैं। और हर एक टेस्ट जो होता है, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे जीटी हो, वी ट्राई टू फर्स्ट मेक हिम वेरी वेरी कंफर्टेबल। आई गिव एन एग्जांपल, मैं देहरादून बोर्ड में था सब और इंटरव्यू ले रहा था मैं एनडीए बैच का, उत्तराखंड से लड़का आया था, छोटा सा चीकू टाइप को प्यारा सा बच्चा था, वो आया और जैसे आया सामने पूरा पसीना पसीना हो रहा था, पसीना उसके वो पी जा रहा था, पूरी शर्ट गिली थी, जब बैठा वहाँ चेयर पे तो मुझे बड़ी दया सी आ रही थी, मैंने कहा ये बच्चा अभी क्या क्या इंटरव्यू करेगा, ही सो नर्वस। सो आई साइड ऑफ माई इंटरव्यू, इससे आपने पहले बता चुके हैं, इंटरव्यू शुरू किया और कुछ से बाद मैं रियलाइज किया कि वो इतना नर्वस है, ही नॉट एबल टू टॉक, सो आई टोल्ड हिम ओके स्टॉप, आई टुक हिम लेट्स गो आउटसाइड, आई टुक हिम आउटसाइड द इंटरव्यू ऑफ रूम, कंधे पे हाथ डाला, मैंने कहा चलो देखो वो मसूरी है, वो तुम्हारे कैरियर में से, उसको मैंने घुमाया 5 मिनट तक और घुमाने के बाद लेके आया उसको और तब बैठा तब इंटरव्यू लिया। ऐसा क्यों किया मैंने सर? इसके लिए दैट स्मॉल दैट यंग बॉय इज फेसिंग अ डिफेंस ऑफिसर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, ही ऑट टू बी नर्वस, एंड आई कांट जस्ट रिजेक्ट हिम फॉर जस्ट बीइंग नर्वस, ही इज फेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही मे बी द फ्यूचर एचीवर ऑफ द स्टाफ, सो आई कैनॉट निगेट लाइक दैट।
तो हर एक बोर्ड में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी, एयरफोर्स, उन तीनों बोर्ड में वी ग्रांट दैट फैक्टर इन ऑल द टेस्ट। सर एक डर भी रहता है बीइंग ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ऑब्वियसली आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा सर, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर तो काफी कंफर्टेबल करते हैं, बट बच्चों के अंदर थोड़ा सा डर सर जीटीओ पार्ट को लेकर रहता है, क्योंकि ऑफिसर के तौर पे उन्हीं से इंटरेक्शन होता है, साइकोलॉजिस्ट में तो सर उतना है भी कोई इंटरेक्शन इनका होता नहीं है, तो इनको सर साइकोलॉजी पार्ट और जीटीओ ऑफिसर से भी लेके एक डर रहता है, तो सर आखिर उनका किस तरह का रोल होता है इन कैंडिडेट्स के लिए ड्यूरिंग एसएसबी सर? देखिए सर, एज फार एज जीटीओ इज कंसर्न, तीनों टेस्ट साइकोलॉजी बेस्ड है, तो जीटीओ का पहला एम ये रहता है कि हाउ डू आई मेक दिस ग्रुप feel comfortable and make them friendly with me. And there are three phases of GTO, जैसे कि आप बता चुके हैं, एक integration phase होता है, second disintegration phase होता है, और तीसरा reintegration phase होता है. तो integration phase में क्या करते हैं, हम group को इकट्ठा ले आते हैं, यानी GD1, GD2 कराते हैं, group 9 से कराते हैं, तो वो वेरी गुड टुगेदर. उसके बाद वी disintegrate them, individual obstacles है, command task है, और उसके फिर से वापस FGT में लेकर आते हैं. तो ये चीज़ें सिस्टमेटिकली से डिज़ाइन की गई हैं कि उस बंदे को अपने ग्रुप में मन जाए वो. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कि जीटीओ इंश्योर्स कि कोई कॉन्शियस ना हो, तो रेबन ग्लास लगा के बैठा रहता है. तो ही इज पुटिंग ऑन रेबन ग्लास नॉट बिकॉज ऑफ कंजक्टिवाइटिस और समथिंग, ही इज पुटिंग ऑन ताकि आप कॉन्शियस ना हो. और बच्चा डरा हुआ समय रहता है, अपने ग्रुप पे रहता है, एंड ही इज टेलिंग यू दैट जेंटलमैन डोंट बॉदर अबाउट मी, यू आर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड डिस्कसिंग ऑन अ कॉमन सब्जेक्ट, राइट? सो दैट वे इट इज मेड टू फील कंफर्टेबल इन दैट. तो सबसे बड़ी चीज यही समझने वाली है कि वहां पे आपको बहुत कंफर्ट किया जाता है और पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपने रियल पर्सनैलिटी के साथ आए. जैसे सर ने बताया कि तीन स्टेज जीटीओ की रही, जिनमें आप इसको मोटा मोटा समझने की कोशिश करें, तो एक सीरीज होती है बेसिक सीरीज, जहां आपको ग्रुप टास्क के अंतर्गत रखा गया, दैट मीन आप ग्रुप डिस्कशन में गए, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में गए, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में गए, और फाइनली आप जो है अपने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में गए. बट पहले सर ने कहा सेकंड जो फेज होता है वो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन का हो जाता है, इसलिए उसको कहा ही जाता है कंफर्मेटरी सीरीज, जिसके अंतर्गत सर इनके ग्रुप की संख्या थोड़ी कम की जाती है और एज ए इंडिविजुअल इनके परफॉर्मेंस को वॉच करने का कोशिश, और फाइनली फाइनल सीरीज में तो FGT जाना ही है, क्योंकि फौज में सर तो ग्रुप में ही काम करना पड़ेगा, तो ग्रुप लीडरशिप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. नाउ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की लाइक अब हम तीन बोर्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि बच्चों में अलग अलग तरह का पैशन है. हाँ, फॉर्म भरते समय सर एक चीज फिक्स सिखाई गई बच्चों को, पहले स्टेप पे सर एयरफोर्स, कुछ भी हो जाए. इवन सर हमने भी किया और शायद जितने भी यंगस्टर्स हैं वो यही करते हैं. एक्चुअली प्लेन्स का अलग एक चार्म होता है, और बचपन से ही वो हवाई जहाज उड़ता है, तो यू नो यू स्टार्ट गेट अट्रैक्टेड. राइट सर, उसका मतलब कोई तोड़ नहीं है. सेकंड प्रायोरिटी सर बच्चों को मैं देखता हूं कि आर्मी को ले लेते हैं, थर्ड पे वो नेवी को रखते हैं, फोर्थ पे नेवल अकेडमी को रख देते हैं. नाउ इट्स डिपेंड अपॉन द कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ के आधार पर ही चीजें डिसाइड होती हैं. जैसे कि हाईएस्ट कट ऑफ लाजमी सी बात है सर, इंडियन एयरफोर्स का ही रिटन एग्जामिनेशन में, फिर नेवी आता है सर, फिर आपका आर्मी आ जाता है, देन नेवल एकेडमी की कैटेगरी शुरू होती है वहाँ पे. क्वेश्चन सर ये बनता है कि जब बच्चे एयरफोर्स बोर्ड की ओर जा रहे हैं, आर्मी बोर्ड की ओर जा रहे हैं, या फिर सर वो नेवल बोर्ड के लिए जा रहे हैं, कितना अंतर है सर, और क्या कुछ एयरफोर्स बोर्ड के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के प्रॉस्पेक्ट होते हैं एक कैंडिडेट के अंदर, नेवी में अलग होते हैं, आर्मी में अलग होते हैं, तो क्या सर ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके सिलेक्शन सिस्टम को देखा जाए तो? सर देखिए, ये धारणा है कि ये पर्टिकुलर बोर्ड टफ बोर्ड है, ये पट बोर्ड रिजेक्शन बोर्ड है, अब आर्मी का है रिजेक्शन बोर्ड है, एयरफोर्स का है टफ बोर्ड है, नेवी का है वो बोर्ड टफ है. ऐसा आई मस्ट टेल द इंटायर ऑडियंस जो भी इस वक्त हमारे सामने हैं, कि तीनों बोर्ड्स के जो SSS हैं, साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, दे ऑल आर ट्रेंड इन ए इंस्टीट्यूट कॉल्ड DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जो तिमारपुर दिल्ली में है. द ट्रेनर्स ओवर देयर आर फ्रॉम ऑल थ्री सर्विसेज, Army, Navy, Air Force. This is to ensure that there is standardized selection in all the three boards. There is no difference at all. आप किसी बोर्ड में जाएं, basically 15 officer like qualities वही चेक की जा रही हैं आर्मी बोर्ड में, नेवल बोर्ड में, एयर फोर्स बोर्ड में, कोई फर्क नहीं. लेकिन इसमें से थोड़ा सा जो मैं आपको डिटेल में जाना चाहूँगा इसमें, कि जो आर्मी एयरफोर्स बोर्ड है, एयरफोर्स बोर्ड इज पर्टिकुलर अबाउट सम पर्टिकुलर क्वालिटीज, जिसके लिए आर्मी बोर्ड मे नॉट बी वेरी मच इंटरेस्टेड. आर्मी बोर्ड जिसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, एयरफोर्स बोर्ड मे नॉट बी सो मच इंटरेस्टेड. नेवल बोर्ड का अलग ही उनका तरीका है. तो जो ये क्वालिटीज हैं, दे ऑल आर ट्रेनेबल, ऑल क्वालिटीज इक्वल. बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्टैमिना, एक क्वालिटी है स्टैमिना, लास्ट क्वालिटी है मेंटल स्टैमिना, फिजिकल स्टैमिना. द एयरफोर्स इज मोर कंसर्न विद द मेंटल फिजिकल पार्ट ऑफ इट, एंड द आर्मी इज मोस्ट कंसर्न विद द फिजिकल स्टैमिना पार्ट ऑफ इट.
तो वो क्वालिटीज कुछ तरह से थोड़ा सा उसमें डिफ्रेंशिएट रहता है, बट ओवरऑल आई वुड से सर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन ऑफ दिस थी एक्सेप्ट फॉर द पीएबीटी व्हिच इज एन एक्स्ट्रा डिस्टिंक्ट टेस्ट जो उनका होता है फ्लाइंग के लिए। राइट सर, बहुत बढ़िया सर ने, मुझे लगता है कि बहुत क्लियरली ये चीज बता दी, तो ये डर भी अंदर से खत्म हो जाना चाहिए। नाउ सर, सबसे अहम हो जाता है कि सर एक माइंड में सेट है कि हम 14 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एमकेसी का हिस्सा बनते हैं। हमारी एक ट्रेनिंग की जर्नी चलती है सर, जहां हम प्रॉपर साइकोलॉजी की क्लास से गुजरते हैं, जीटीयू की क्लास से गुजरते हैं, इंटरव्यू की क्लासेस से गुजरते हैं, और प्रॉपर हमारा स्क्रीनिंग राउंड होता है। ऑब्वियसली सो बट वी बिलीव, या हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जो आप सबका सर बेहतर योगदान देखने को मिला, एंड वी हैव अ ट्रेमेंडस रिजल्ट। अभी मैं काउंट्स ही कर रहा हूँ, और आप लगातार चैनल पर देख भी रहे हैं कि वन बाय वन हम आपको बहुत सारे इंटरव्यूज एनडीए फर्स्ट के कैंडिडेट का दिखाएंगे जो बच्चे रेकमेंड हुए हैं। द क्वेश्चन इज सर कि जो ट्रेनिंग सिस्टम है, इसमें सर कभी कभी जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग, चाहे हम ट्रेनर्स हो सर, मैं एक छात्र का प्रश्न है जो रख रहा हूँ यहाँ पे बड़ी ईमानदारी के साथ। सर बैच में ऑब्वियसली 30 कैंडिडेट्स हो जाते हैं, 40 कैंडिडेट्स हो जाते हैं, तो होता क्या है कि सर कभी कभी हम कुछ कैंडिडेट्स को ज़्यादा ओवलाइज करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, बिकॉज सर वो स्मार्ट होते हैं, डायनेमिक होते हैं सर, या कह लीजिए रिपीटर भी हो जाते हैं कभी कभी, तो उनका जो एटीट्यूड है, जो पर्सनैलिटी है, कई चीज़ें सर प्लस दिखाई देती है। तो ड्यूरिंग क्लास कभी कभी क्या होता है सर, हम उनको थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटीज दे देते हैं। तो सर बहुत सारे कैंडिडेट का प्रॉब्लम ये आ जाता है, मैं देखता हूँ सर कि वो उनके जैसा बनने लगते हैं, एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज सर बोर्ड जो सिलेक्शन लेने बैठा वो आपका सिलेक्शन लेने बैठा है, वो आपको आप में तलाश रहा, आपके अंदर किसी और को नहीं तलाश रहा है। सर ये चीज़ क्या है, और बच्चे इस चीज़ से कैसे बचें सर? सर देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सिलेक्शन में है, दैट इज़ कोचिंग इफेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने आप को अलग दर्शाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बिकम समबडी एल्स। और ये प्रॉब्लम एक बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं लेट्स से आई वांट टू जॉइन आर्मी, आर्मी की इमेज मेरे अंदर क्या है, वो खूंखार चेहरा, वो दांत लाल, बंदूक लेके धावा बोल रहा है बंदा, ये इमेज है। Now this means मुझे क्या करना है, I have to become like him, I must show courage, I must show बड़ी problem, गुंग दिखाना मेरे को। तो जो भी वो टेस्ट में अपेयर करेगा वो चाहेगा कि अच्छा करे, जो कि वो नहीं है, वो नहीं है वो, तो वो गलती कर रहा है। right, sir. और हर एक बैच में कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नॉट सो गुड होते हैं। right, हर एक बैच में मिक्स क्वालिटीज होते हैं। तो उसमें हम एज ए साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो हमारा हम ये करते हैं कि वी ट्राई टू Take the group along, try to bring the back benches to the fore, ताकि हमारा standard uniform हो जाए। अब होता यह है, अगर मैंने सवाल पूछा psychology में किसी बच्चे से, उसने बढ़िया जवाब दिया, story अच्छी दे रही है, तो दूसरा बंदा जो है वो उसको एक कॉपी कैट बन जाएगा, वो कॉपी करने की कोशिश करेगा। That is wrong. That is wrong. See, I must tell everyone that masking your personality is the biggest obstruction in SSB. Biggest obstruction. अगर मैं आपके ऐसा बनना कोशिश करता हूं, मैं नहीं बन पाऊंगा, और मैं क्यों बनूं? और भगवान ने सबको विशेष बनाया है। Exactly. और सर मैं ये कहता हूं कि हर एक को ये जानना चाहिए, अपनी नोटबुक से लिख लीजिए आप लोग, मैं हूं। Right. लिखिए मैं हूं, मैं हूं मतलब आई एग्जिस्ट। Right. मैं जैसा हूं आई एम देयर, एंड मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव है, कुछ नॉट सो पॉजिटिव है, जो सबके अंदर है। तो क्या पता जिसको आप इम्बाइब करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर जो पॉजिटिव हुए वो आपके अंदर हैं, उनको एक्सेप्ट करिए आप। And you must try to remain original, remain natural, remain yourself, and that is the best way of getting selected in the SSB. तो ये चीज़ का मैं assurance बच्चों को दे सकता हूँ कि वो MKC Academy का हिस्सा बनते हैं SSB का, तो they will not go for the mass training program. They'll get the individual analysis and individual focus. Definitely. यहाँ पर सर MKC में मैंने खास बात देखी है. I've been going to various senior schools also, जाता हूँ वहाँ पर कराता हूँ. लेकिन MKC की खास बात ये है कि the crowd which comes over here, they all are equally attended to, everybody is focused on. ये नहीं है कि वो पीछे बैठा हुआ है उसको जाने दो, नहीं, हम बदले करेंगे, हमको रिजल्ट चाहिए। नो, ये अकेडमी ऐसी है, ये इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पर वी आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, वी आर मोर, वी वांट टू ब्रिंग अप एवरीबॉडी, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई ऑलवेज फील प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ। एग्जैक्टली सर, क्योंकि मुझे लगता है कि गाइडेंस सबसे बड़ी चीज़ है, और गाइडेंस तो हमेशा इंडिविजुअली हो सकता है सर। हम हर कैंडिडेट को अगर इंडिविजुअल नहीं एनालाइज करेंगे, हो सकता है उसके कई फैक्टर बहुत अच्छे हों, और अगर वो मास ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो कहीं ना कहीं हम एक कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, स्टोरी ये, और वो सर वो आइडियलिस्टिक हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं सर पूरे देश में है, बच्चों का फीडबैक आता है, क्योंकि बच्चे लगातार अपने हाथ हैं। अच्छा, एक माइंडसेट और भी है सर, बच्चे 14 डेज प्रोग्राम के लिए केवल जुड़ते हैं, जबकि सर मैंने इस पूरे प्लान को बच्चों को सर 365 डेज के लिए MKC में अलाउ किया बच्चों को। दैट मीन दिल एडमिट वंस एंड
होल ईयर दे गेट ट्रेनिंग फ्रॉम हियर सर, एंड वी फील प्राउड सर कि वो बच्चे क्लासेस में आते हैं लगातार, मे बी वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, मे बी वो स्क्रीन आउट भी हो जाते हैं सर, बट दिल कम अगेन कम बैक, फिर वो मेहनत करते हैं सर और रिजल्ट। और आदित्य किशोर जिसकी बात कर रहा हूँ सर, 2019 में जो है उसने 2020 में 12th सर क्लियर किया अपना, 2019 अपेयरिंग चांस से उसने स्टार्ट कर दिया सर, और फाइनली उसने 5 अटेम्प्ट सर, मतलब ही गॉट 4 टाइम जो है थ्रू एनडीए सर, एंड 3 times थ्रू द एनडीए सर वो गया, एंड 2 times थ्रू द टीएस एंट्री सर, एंड 4 times कॉन्फ्रेंस आउट सर, 1 time स्क्रीन आउट सर, इन 6 अटेम्प्ट ही गॉट सर रिकमेंडेशन। और वो बच्चा हमारे साथ सर 2019 से जुड़ा रहा है। अभी इस बैच में सर, इस बैच में 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कर लिया है, एंड दे आर गोइंग अगेन। द गर्ल केम, देयर इज अ गर्ल, आई डोंट रिमेंबर नेम, शी केम एंड सर आई हैव गॉट सीन आउट। मैंने कहा डोंट वरी, आई हैव बीन एबल टू एनालाइज, और इन 3 दिनों में मैंने उसकी फॉल जो एनालाइज की, और मैंने कहा बच्चे दिस कुड बी द प्रॉब्लम, नाउ यू स्टार्ट इंप्रूविंग दैट। सो नाउ शी हैज अ प्लेटफॉर्म, एक बार गई है, शी नोज नाउ शी गॉट अ फॉल्ट ड्रॉबैक्स, एंड शी इंप्रूव एंड गो नेक्स्ट टाइम। एंड तो ये बड़ी चीज है सर, बच्चे जैसे अभी बैठ के इंतजार कर रहे हैं, तो मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, प्लीज कम वंस, क्योंकि एक बार की ट्रेनिंग के बाद हो सकता है आप बहुत कुछ रियलाइज करें, अब उस पर काम भी करना है। सेकंड टाइम आओ, थर्ड टाइम आओ, एटलीस्ट एसएसबी के पहले आपको मौका तो मिल रहा है उतनी बार कि आप खुद को क्या कर सकते हैं सर। सर ये बहुत अहम चीज है, बहुत अहम चीज है, और आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दिस, मैं ये कहता हूँ क्लास में भी, अब ये इतना अच्छा फोरम मिला है मेरे को, तो आई मस्ट टेल एवरीबॉडी जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि एसएसबी इज नॉट ए नॉलेज टेस्ट, इट इज ए टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। नॉलेज तो किताब पढ़ पढ़ के आप गेन कर सकते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी को चेंज करने में टाइम लगता है। और लोग यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, मेरा अरे कॉलर तो आया नहीं है, क्या जरूरत जाने की, कॉलर आ गया अब भागो भाई, कोचिंग एकेडमी भागो जल्दी से, जो नॉर्मली करते ऐसा करने से मैं आई मस्ट कॉशन कि आपके उतना टाइम रहता नहीं है कि आप सीखो और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो। बिकॉज एमकेसी में क्या करते हैं हम लोग, आपको पहला कदम बताते हैं आप कहाँ पर हो, आप कहाँ पर हो, एंड देन हमको क्या चाहिए, ये 2 चीज़ें बताते हैं। अब आपके पास टाइम फ्रेम में होना चाहिए, उस टाइम फ्रेम में आप बराबर करिए, एंड देन यू कैन कमिट पार एंड गेट सिलेक्टेड। राइट सर, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि 100% सफलता चाहिए, तो जल्द से जल्द एसोसिएट हो, क्योंकि हम 1 ईयर तक आपको ऑप्शन दे रहे हैं। नाउ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की कैंडिडेट जब एसएसबी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, तो कुछ एक्सपीरियंसेस जरूर यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा कि इंटरव्यू के दौरान भी सर एक बड़ा फोबिया रहता है बच्चों का, जैसा कि फोबिया इस चीज़ को लेके है कि सर करंट अफेयर के बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। बहुत सारे टाइम ऐसे आते हैं जब हम क्वेश्चंस को लेके स्टक हो जाते हैं सर, हमें उसका जवाब नहीं पता होता है, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए सर, हम उसको वजह से भी नर्वस हो जाते हैं सर। रैपिड फायर में सर हमें क्वेश्चन ऑर्डर में ही देना है, क्योंकि सर रैपिड में भी रैपिड, रैपिड में भी रैपिड। अभी जब मैं हर्ष से बात कर रहा था, वो सेइंग दैट कि सर रैपिड में रैपिड चल रहा था, मेरे बैक टू बैक 10 क्वेश्चंस आए, मैं 5 पहुंचा था सर, फिर से आ गए, फिर उन 5 के जवाब देता रहा, फिर 3 ही पहुंचाऊंगा सर, फिर से आ गए, और ये लगातार सर अराउंड 20-30 क्वेश्चंस के रैपिड फायर चलते रहे सर। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें बच्चे का सर रोल किस तरह का है, और क्या एक्सपेक्टेशन होती है जब इस तरह की चीज़ एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर कर रहा होता है सर? तो सर देखिए, पहली चीज़ ये है कि द इंटरव्यू फॉर ए फ्रेशर इज लिटिल डिफरेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ ए रिपीटर। जो आपको हर्ष जिसका नाम बताया सिलेक्ट हुआ है, 4 times शायद वो आदित्य का, तो सर केवल 11 मिनट का इंटरव्यू हुआ, मतलब 10 रिकॉर्ड 1 क्वेश्चन कि आपके पास कंपास है और जंगल में आप गुम हो गए हैं, अब आपको रास्ता तलाशना है। आई रिपीट द होल क्वेश्चन सर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्या था। फिर उसने कहा सर सूर्य के जो है मदद से मैं रास्ता अपना डायरेक्शन बनाऊंगा, तो उसने कहा कि इतना घना जंगल है कि सूर्य नहीं दिख रहा है, देन इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, मैं कोई पॉन्ड या फिर रिवर्स सर फाइंड आउट करूंगा जिसके माध्यम से जो है मैं निकलने की कोशिश करूंगा, देन नियरेस्ट आप 3-4 किलोमीटर जंगल में अंदर आ गए, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, देन इज सेड कि लाइक आपका कंपास भी जो है प्रॉपर ढंग से वहां काम नहीं कर रहा है, देन व्हाट वुड बी द ऑप्शन। फिर उसने बोला कि नियरेस्ट सर मंदिर होगी कोई, तो शिव की मंदिर हमेशा पूर्व दिशा में, एक मिथ हमारा जो नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉम्बिनेशन है, उस तरह से मंदिर को सर सहारा बना के हम आगे बढ़ने की कोशिश, निकलने की कोशिश करेंगे, देन इज सेड नो कोई टेंपल नहीं है आपके आसपास, देन इज सेड कि कोई गांव तलाशने की कोई नो ऑप्शन फॉर यू, देन फाइनली एट लास्ट ही सेड कि सर मैं अपना कंपास तोड़ूंगा और उसके अंदर का जो है निकाल करके जो है, क्योंकि वो सब तो फिर ईस्ट और नॉर्थ साउथ मेरे को बताएगा, मैं उस देन ही सेड ओके जेंटलमैन नाउ यू कैन गो। तो दिस इज द एटीट्यूड सर, मतलब वो हाई लेवल का प्रेशर था, और वो बच्चा फटाफट हर सिचुएशन को सर हैंडल करता चला गया, अंत में उसने कंपास तोड़ा और वो रास्ता निकाला जो एग्जैक्टली सर एक अनुभवी कंपास ट्रेनिंग जिसने लिया होगा उसको पता होगा, इज एनसीसी कैंडिडेट, तो वो उस चीज को जान रहा था, इस वजह उसने एड ऑन किया सर। तो ये जो इंप्रेसिव मोमेंट होता है, तो वो यही बात समझना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज का आपका ज्ञान किस लेवल का है, आपने उस चीज को लाइटली सीखने की कोशिश की है या वाकई में उस चीज को आपने सीखा। एग्जैक्टली सर, देखिए ये
जो इंटरव्यू शुरुआत होती है इट इज एज वी ऑलरेडी कवर्ड द प्रीवियस पीपीटीज, जो शुरुआत पे तो कंफर्टेबल कंफर्ट लेवल पे रहते हैं, जो रैपिड फायर राउंड होता है उसका लॉजिक है, उसका लॉजिक। अब रैपिड फायर राउंड में करता हूँ फ्रेशर के लिए, अगर मेरा रिपीटर है आई विल नॉट डू द सेम रैपिड फायर राउंड बिकॉज उसको एक्सपीरियंस मिल चुका है, आई विल बी आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस, आई हैव टू मेक ए फ्रेशर वेरी कंफर्टेबल, आई डू नॉट हैव टू मेक द रिपीटर वेरी कंफर्टेबल। आई गिव एग्जांपल, जैसे मान लीजिए फ्रेशर मेरे पास आया तो मैं उससे पहले पूछूंगा ओके आप वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो ही से आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ, ओके वेरी गुड टेल मी समथिंग अबाउट लखनऊ, लखनऊ ये तो हो गया फ्रेशर का सवाल। अब वो कंफर्टेबल फील करता है, ये तो मेरा दोस्त है यार, आराम से पूछ रहा है, आसान सवाल पूछ रहा है, ही फीलिंग कंफर्टेबल। अब रिपीटर आ गया तीन चार बार, उससे पूछूंगा अच्छा वेयर डू कम फ्रॉम, लखनऊ, हाउ फार इज लखनऊ फ्रॉम दिस प्लेस जहां पाए हुए, वेरी गुड, व्हिच ऑल इंपॉर्टेंट स्टेशन यू क्रॉस्ड व्हेन यू केम बाय ट्रेन, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द लखनऊ टू दिस प्लेस। अब वो शुरू से ही उसका दिमाग चला शुरू होता है, आई मेक इट आंसर शुरू से ही, ताकि मुझे सर एक सवाल पूछना होता है अपने आप एज ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ये रिपीटर जो मेरे सामने बैठा हुआ है मैं इसको क्यों सिलेक्ट करूं जबकि मेरे कोलीग ने पिछली बार में इसको रिजेक्ट किया हुआ है। वेल नाइस, आई हैव टू आंसर द क्वेश्चन, इफ आई आंसर द क्वेश्चन इफ आई गेट द आंसर पहले ये था इंप्रूव है आई सिलेक्ट हिम, नहीं ही गेट रिजेक्टेड। सो ये क्वेश्चन, तो हमारे जो फ्रेशर कैंडिडेट्स जिनके अंदर ये एप्रिहेंशन होता है, जो आपका सवाल था एप्रिहेंशन है कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, आई मस्ट कॉशन यू कि जस्ट बी ट्रूथफुल, फर्स्ट ऑफ ऑल बी ट्रूथफुल, और इंटरव्यू बड़े एक सिस्टमैटिक पैटर्न से रहता है, आपको आपके एजुकेशन के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली के बारे में सब पूछा जाएगा, देयर आफ्टर वी नीड टू चेक आउट कि आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी कितनी है, राइट सर, हाउ फार कैन यू गो, जो आपने एग्जाम्पल दिया कंपस वाले का, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक सिचुएशन, सिंथेटिक हम इसलिए करते हैं ताकि वी वॉन्ट टू सी कि ब्रेक पॉइंट क्या है, आई हैव डिसाइडेड ये बंदा रिकमेंड होगा, लेकिन कितने मार्क्स दूं उसको, क्या कट ऑफ रहेगा इसका, कहाँ टूटता है ये, आई हैव टू असेस दैट। सो माई एडवाइस इज व्हेन यू आर फेसिंग इंटरव्यू, हालांकि आपको जब आएंगे यहाँ पर आपको रियल टाइम इंटरव्यू दिया जाएगा एमकेसी में, बट जस्ट फॉर एडवाइस व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू रिमेन कूल एंड कंपोज्ड, बी नेचुरल एंड बी ट्रूथफुल, डोंट ट्राई टू हाइड एनीथिंग बिकॉज ही इज एबल टू मेक आउट व्हाट एग्जैक्टली आर योर ड्रॉबैक्स, आपका पी आई क्यू उसके पास है एंड ही इज ट्रेंड टू डिसाइफर वेरियस थिंग्स विद पी आई क्यू, ओके, एंड देन व्हेन इट कम्स ऑन टू करंट अफेयर्स जहां पर है, यस यू रिक्वायर, ही रिक्वायर्स टू नो कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है टू नो समथिंग बियॉन्ड योर करिकुलम, आर यू टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट, आर यू क्रिएटिव बाय नेचर, दैट्स हाउ ही टेक्स यू दैट लेवल। वेरी नाइस सर, मुझे लगता है कि ये लेवल है जो हमें समझ के चलना है, और मुझे लगता है कि सब कुछ सर एक समय के अंतर्गत अगर सही ढंग से किया जाए तो किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बस मसला ये कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जो यहाँ पे जनरेट होता है सर, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों का स्ट्रेट अवे आ जाता है सर, क्योंकि एक बहुत बड़ा फोबिया उनके अंदर इस चीज़ को लेके है, मतलब उतना सर वो फ्लुएंट नहीं है, इवन ही इज एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज और वो बोल भी सकता है, बट वो डर रहता है क्या सर केवल इंग्लिश मीडियम वाले ही होते हैं या हिंदी मीडियम वालों के भी चांसेस हैं। अच्छा, अमूमन इस बीच मैंने जो कुछ इंटरव्यूज लिए, आई एम ट्राइंग टू स्पीक थ्रू आउट इन हिंदी सर, बिकॉज ज़्यादातर ऑडियंस वैसी ही है सर, तो बच्चे लेकिन जो आते हैं सर दे ऑब्वियसली डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं सर एंड दे स्पीक थ्रू आउट इंग्लिश सर, बिकॉज उनका वो रेंज है, उनका वो पोटेंशियल है, तो इनमें एक वो क्वेश्चन बना ही रहता है सर, कितना मायने रखता है ये सर, और बच्चा अगर वाकई में इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं है सर, तो आखिर हिंदी किस तरह से मदद कर सकती है इनकी सफलता के लिए सर? सर मैं आपको बताऊँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं 10 साल रहा हूँ SSB में, ऐसे बहुत सारे इंडिया के बच्चे आते हैं और उनको जिनको कि ब्रोकन इंग्लिश बात करते हैं वो लोग, बट दे हैव सच स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दैट वी सिलेक्ट देम। हमारे पास एक चीज़ होती है सर, ट्रेनेबिलिटी, राइट सर, जब ऑफिसर क्वालिटी लिखते हैं, जब मार्क्स देते हैं, तो जब मार्क्स पूरे देने के बाद एक कॉलम होता है ट्रेनेबिलिटी का। ट्रेनेबिलिटी इज समथिंग वेयर इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, वन ऑफ टू फैक्टर्स आर योर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज वन फैक्टर, एंड योर एज। नाउ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग NDA के लिए 3 साल है सर, उसके 1.5 साल और आई भी ट्रेनिंग लेने का, 4.5 साल मेरे पास है। उस बंदे को अगर बेसिक नॉलेज इंग्लिश की है, इफ ही इज एबल टू कन्वर्स लिटिल बिट, नॉट हाई फाई, नॉट एट ऑल, इफ ही इज एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश, दैट इज गुड इनफ फॉर अस, फॉर हिम टू बी सिलेक्टेड। उसके बाद फिर वहां उसको हम ग्रूम करके इस लेवल पे ले आएंगे जहां पर वो अच्छी इंग्लिश बोल पाए। मतलब बहुत अच्छी बात, कैसे मैं कर्नल जुनेजा सर से भी इस प्रश्न को उठाया था कि ड्यूरिंग GTO सर कितना मायने रखता है टू स्पीक इन इंग्लिश, के वेरी फट्टा वे इज द रूप, अरे मेरा मन करता है सर मैं रस्सी बोलना चाहता हूँ, मैं उसको प्योर बल्ली बोलना चाहता हूँ, मैं फट्टा बोलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा दिस नथिंग मैटर,
आपने जैसे कहा कि ट्रेनेबल क्वालिटी, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो ट्रेनिंग की जा सकती है और अगले 3 साल में एकेडमी में आप सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर एक केरला का आदमी हिंदी बोल रहा है तो हिंदी वाला आदमी भी केरला बोल सकता है। मसला ये है कि उस चीज की जब नीड होगी, उस माहौल में होगा, तो उस चीज को वो कर पाएगा। अच्छा, ड्यूरिंग इंटरव्यू सर, ये C6 का एक बड़ा क्राइटेरिया आजकल एकेडमीज में शेयर किया जाता है, हाँ ये C1 C2 C3 C4 C6, तो सर इसको भी बच्चों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि एक्चुअल इन चीजों में वो क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये प्रश्न मेरे को आता है अक्सर कि सर ये C1 से लेकर C6 तक क्या है सर, इसके पैरामीटर्स क्या है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो सर अवेलेबल हैं। सर पहली बात तो ये है कि ये Tick 1 से लेकर Tick 6 तक जो हम लोग जानते हैं, ये आप लोगों के लिए है ही नहीं। Exactly. आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। देखिए पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है सर, पर्सनालिटी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है। I can't say कि आपका सर 5 नंबर दर 6 नंबर पे। राइट सर। इट इज सब्जेक्टिव। उस सब्जेक्टिव असेसमेंट को मैं कन्वर्ट करता हूँ ऑब्जेक्टिव में। बड़ा टीडियस प्रोसेस है, 1-1.5 में लगता है हमको समझने में, तो अब मैं आपको समझाना नहीं चाहूंगा। बट प्लीज रिमेंबर कि यू गो देयर विद ओपन माइंड एंड परफॉर्म योर बेस्ट। Tick 1 से लेकर Tick 6 तक कैंडिडेट रिकमेंड होता है। राइट सर। इट गोज अपवर्ड्स, यानी Tick 10 इज द लोएस्ट। राइट सर। एंड देन यू मूव अपवर्ड्स, Tick 7 समटाइम्स डू गेट रिकमेंडेड, अगर दो ने दिया एक ने नहीं, ऐसे कर सकते हैं। Tick 6 ऑनवर्ड्स ही इज रिकमेंडेड, एंड 5, 4, 3 इट गोज अपवर्ड्स, एंड Tick 1 ऑफ कोर्स इज द हाईएस्ट वन। नाउ इसमें जस्ट यू कैन जस्ट सी कि जो वीडियोस बने हैं, जो वीडियो जो लोग बना रहे हैं, बता रहे हैं, प्लीज डोंट गो बाय दैट, देयर आर नो पैरामीटर्स फॉर दैट। आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, एंड इफ यू परफॉर्म बेस्ट यू विल डेफिनेटली बिकम Tick 1। Tick 1 इज द हाईएस्ट। राइट सर। और मैंने अपनी 10 साल के जो मैंने सर्व किया है उसे मैंने देखा है, आई हैव सीन Tick 1, 2, Tick 2 कैंडिडेट, राइट सर, वेरी फ्यू, बट डजंट मैटर। आपके अंदर अगर वो है, जज्बा है, आप परफॉर्म करिए बेस्ट, एंड यू विल गेट इन दैट Tick 1 to 5 ब्रैकेट में आ जाएंगे। वेरी नाइस सर, आई थिंक इट्स गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैं डीपर चला जाता हूँ जब इन चीज़ों को सुनता हूँ। एक सर ये भी पॉइंट रखना चाहता हूँ, आजकल सर थोड़ा सा पहले ऑक्सफोर्ड कॉलेज था, अब यूट्यूब ही ऑक्सफोर्ड बना हुआ है सर। ऑब्वियसली फॉर द इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर वो अच्छा है, लोग वहाँ से सीख भी सकते हैं। बट SSB जैसी ट्रेनिंग में भी सर आज बच्चे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जा करके सर अलग अलग, मतलब वो साइकोलॉजी टेस्ट को भी रट रहे हैं सर, इंटरव्यू को भी सर दूसरे का सुन रहे हैं वो। ठीक है, आप सुनिए, नो इशू। GTO टास्क सर वो वर्चुअल दुनिया में कर रहे हैं, यू नो, ये तो वही हाल हुआ कि एक ऐसी आर्मी जो पबजी में खुद को आर्मी मान रही है। तो सर ये जो एक चैलेंज खड़ा हुआ सर, ये भी एक कारण है जो कि बच्चों को ग्राउंड तक कहीं ना कहीं नहीं पहुंचा रहा है सर। ये चीज़ सर इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रुप टास्क हैं और ग्रुप बिहेवियर देखना है। तो सर ये चीज़ मैं चाहता हूँ इनको थोड़ा समझाएं इस विषय में कि जब तक आप क्लास का हिस्सा नहीं बनेंगे, ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपका इंडिविजुअल मॉक सेशन नहीं होंगे, आपकी टेस्टिंग नहीं होगी ग्राउंड पे, आपका बिहेवियर हम नहीं जज कर सकते हैं, और ये वन साइडेड गेम नहीं है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सही, आपने जो बात कही एग्जैक्टली ये सही चीज़ है। और जब तक फिजिकली बच्चा यहाँ नहीं आएगा, तब तक उसको कोई फीडबैक नहीं मिल सकता। आप किताब ले लीजिए, मार्केट पर हजारों किताबें चल रही हैं, आप किताब ले लीजिए और रट्टा मार लीजिए, आप यू नॉट पास। किताब इज गोइंग टू बी ए सपोर्टिंग थिंग फॉर यू, अ नॉलेज कि भाई मेरे को 4 मिनट पे ये करना है, 5 मिनट ये करना है, 1 मिनट ये करना है, इट्स जस्ट ए गाइडेंस। लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो पर्सनैलिटी है, वो आप जज कब कर सकते हैं, जबकि आप एक 8 लोगों के ग्रुप में बैठेंगे, 15 लोगों के ग्रुप में सीटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जब आप ग्राउंड में जाएंगे और देखेंगे वो कैसे इंटरव्यू से कर रहा है, वो बराबर कैसे कर रहा है, वो कमांडो वॉक कैसे कर रहा है, देन यू विल गेट द ए फीडबैक, एंड देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि आपका लेवल क्या है और आपको कितना ऊपर जाना है। जब आपको सिखाई जाएंगी ऑफिसले क्वालिटी, एग्जाम्पल दिया जाएगा, तब आप उनको जान पाएंगे कि ये बेंचमार्क है और मैं कहाँ हूँ, अब मेरे को क्या करना चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट डू यूट्यूब बुक्स गुड, टेक इट एज ए बैकअप, राइट, एज ए बैकअप। यस, ज्ञान मिल गया आपको, बट कितना ज्ञान यूट्यूब मिल रहा है हम सब लोग जानते हैं। जो आपको यहाँ मिलेगा, इस अकेडमी मिलेगा, इंस्टीट्यूट में मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता, बिकॉज यहाँ पर एवरी एसेस इज टेकिंग टाइम ऑफ टू ट्रेन यू, टू टेल यू वेर यू स्टैंड, विच इज वेरी गुड। सर वी डू मिनिमम 2 mock sessions सर ड्यूरिंग द 14 days जर्नी सर, बिकॉज वन टाइम बच्चे का सर जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होता है उसमें वो कहता है सर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, ये रहा, हमने कहा कोई नहीं, एक जैसे आपने कहा ना सर कि एक हम मार्कर सेट कर लिए और आपका लेवल आपको बता दिए, अब हमारी ट्रेनिंग है कि आपको उस पर क्या करा जाए। दैट इज वेरी नाइस सर, वो एकदम सही बात है।
और सर हम सेकंड मॉक में ही देखते हैं कि बच्चों का सर पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग लेवल पे होता है और वो बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से आते हैं सर, और वो उन चीज़ों पे काम करके आते हैं जिन चीज़ों में उन्होंने गलतियाँ की थी, और पहली बार सर उनको हम कम्प्लीटली पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये आप में मिस्टेक है जिसको आपको सुधारने की ज़रूरत है सर। इनके OIR टेस्ट सर हम 5-5, 10-10 कर रहे हैं सर, बिलीव इट, क्योंकि सर कहीं ना कहीं OIR का ग्रेड 1 मायने रखता है, बहुत मायने रखता है आपका। IQ इज एवरीथिंग फॉर द फौज। तो सर हम 5-5, 10-10 सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं और सर हमने सुधार देखा है और हमने लेवल भी इंक्रीज किया उस हिसाब से, और सर कैंडिडेट में सुधार देखने को मिलता है सर। हम लगातार GD लेक्चरेट्स करा रहे हैं सर, पहले दिन का बच्चा और लास्ट डे के बच्चे में सर हमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। हम लगातार सर इनकी करंट के क्लासेस रख रहे हैं, इन्हें जो कुछ नहीं पता है हर उस मुद्दे हर उस इशू के विषय में इनको सर हम अपडेट करते हैं, अवेयर करते हैं, जिससे कि ये कंफर्टेबल हो पाएं और जाएं तो ये बिल्कुल डरे सहमे ना जाएं, ये तैयार हैं। दे नीड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट कि आप आने दो, बस आई एम रेडी। सर मैं आपको बताऊं, इस इंस्टीट्यूट में हर चीज रियल टाइम दे रहे हैं हम, और रियल टाइम मिलने से जो NDA का बच्चा है जब वो जाएगा तो मैंने फेस किया है। Right, sir. तो क्या? आपको जो ग्राउंड यहाँ पर फॉर्म होम है इट्स फार आउट, मैंने ऐसे ग्राउंड कहीं देखा ही नहीं जिसमें कि इतने सारे PGT कमांड टास्क ऑल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स एवरीथिंग सर और रियल टाइम। मतलब ये भी नहीं है कि लोग, मैंने जो कुछ ग्राउंड देखे हैं छोटे ग्राउंड होते हैं जो डिस्टेंस नॉट वेरी गुड टोटल पूरा करने के बाद, यहाँ पर इस रियल टाइम इंटरव्यू जो करते हैं इस रियल टाइम इंटरव्यू। एंड एक इंटरव्यू दिया, पहले उसने सीखा भाई ये गलतियाँ की है, क्लास दिया, उसके बाद नाउ ही मेक्स इट द सेकंड इंटरव्यू। साइकोलॉजी जो है गिव यू रियल टाइम टेस्ट दे रहे हैं उसको ताकि दुरुस्त हो। तो सर ओवरऑल ये चीज़ जो करते हैं इससे सर मेरे ख्याल से बच्चा बेनिफिट होता है, और यहाँ आकर के जब SB जाता है ही फील्स वेरी कॉन्फिडेंट एंड दैट्स हाउ यू गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स सर। और यही है सर जो रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों का सर जो ऊर्जा जो एनर्जी और जो सर अटैचमेंट है, मैं क्लास देखता हूँ कि आप 10:00 इंटर करते हैं तो 4:00 तो कभी क्लोज नहीं होता है, वो 4:35 तक पहुंच जाता है। तो सर वो जो 6-7 घंटे का एक प्रेशर और एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है गाइडेंस की सर, वो कमाल की है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसी है जो क्लास में ही मिल सकती है सर, उसका ऑप्शंस तो नहीं है एक्चुअली। तो जस्ट गेट रेडी बड़ी, आई थिंक सर बात आपसे करने लगता हूँ तो मेरी बात खत्म नहीं होती है, बट आज थोड़ा सा हम सेंट्रलाइज हो रहे हैं क्योंकि आज हम इंटरव्यू स्पेशली बात करने वाले थे। तो NDA कैंडिडेट्स के लिए मुझे लगता है कि सर ये बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन रहा है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जो भी आपकी और क्वारीज हों, जो भी आपके मन में प्रश्न हो बच्चा, प्लीज़ भैया आके कमेंट बॉक्स में आप रखिए, इन सब वीडियोज़ को शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देश में एक रियल अवेयरनेस का जाना बहुत ज़रूरी है, तभी सर भ्रम खत्म होंगे और मुझे लगता है कि ज़्यादा सिलेक्शन ग्राफ हम डेवलप कर पाएंगे ओवरऑल। और मुझे लगता है कि दुनिया में हर चीज़ को देखना चाहिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है, और आज के बेहतर टाइम में सर MKC परिवार बेहतर काम कर रहा है SSB पार्ट को लेकर के सर। ऑल SSR आर ग्रेट एंड सर एवरीबडी इज डूइंग परफेक्ट इन देयर सेक्शन सर, मतलब सब अपना जान झोंकते हैं सर बच्चों के साथ, और सच्चाई के साथ वो एफर्ट्स करते हैं, वो चाहे GTO पार्ट हो सर, साइकोलॉजी हो, इंटरव्यू पार्ट हो, एवरीथिंग सर। और ये कहने की बात ही सर ये रिजल्ट दिखा रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, आप सही बात बोले। और इसी पॉसिबिलिटी के साथ आप सब जुड़िए, पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्विटेशन है, बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, कोई इशू नहीं है, बस आइए एक रियल टाइम ट्रेनिंग को लीजिए और जाकर के बिल्कुल SSB को फोड़ दीजिए, उसे बोलना नहीं चाहिए सर मेरे को, बट ये कॉन्फिडेंस लेके आपको जाना है। सर लास्ट मैसेज कुछ कैंडिडेट्स के लिए सर। बस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कम टू अस एंड डेफिनेटली यू हैव स्टैंड मच बेटर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड, एंड आई एम श्योर एक ही अपना सपना आपका जो है फौज ज्वाइन करने का वो MKC पूरा कर सकता है, तो आइए एंजॉय करें। और मुझे लगता है कि मैं आपके हिस्से का प्रश्न बहुत सारा पूछता हूँ, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न आपके हिस्से में अभी भी बचे होंगे, वो सीधा क्लास में आके सर से पूछो, दैट विल मोर बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम टू MKC। एवरी मंडे वी हैव स्पेशल बैचेस फॉर द SSB फॉर द 14 डेज, और आप 1 ईयर तक हमारे साथ एसोसिएट रहें, जब तक फाइनली सफलता नहीं मिलेगी तब तक इस परिवार से अलग नहीं होना है, सफलता लेके अलग होना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत। थैंक यू, जय हिंद। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल्सी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद।